In this question, we are going to have some discussion about the third part of the phylum Rutifera, reproduction or development, as well as their life cycle will be shared over here. कि reproduction की बात की जाए तो कुछ तो sexually reproduce करते हैं, although several types of rutifers they produce asexually. और asexually जो process use कर रहे होंगे, that is parthenogenesis. Parthenogenetically ये move करेंगे. Smaller males they appear only occasionally, कभी कभार in one class monognota. And no males are known in class Diploidia. कि Diploidia class के अंदर आपको कोई भी males जो है वो नजर नहीं आ रहे होते. जबकि Cycinidia जो कि smaller class है, एक genus और दो species के साथ, the fully developed males and females are equally common in the population. Single ovary and an unattached syncytial vitellarium. तो ये syncytial vitellarium या germ-vitellarium जो कि yolk secreting structure है, उसकी बात हो रही है. जबकि ovaries इनकी egg producing structure होगी. Ovary and vitellarium often fuse to form a single germ-vitellarium. ओवरी और इनके जो वेटेलेरियम है उसको फ्यूज करते हैं. ओवरी से एग आएंगे, जबकि जो शॉर्ट ओविडक्ट और क्लोइकल ब्लैडर आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लोइकल ब्लैडर के थ्रू होते हुए एनस से फिर बाहर प्रोजेक्ट आउट कर जाएंगे. जबकि जो वेटेलेरियम है वो सिक्रीट करेगी यहाँ पर योक का पोर्शन. मेल्स की बात की जाए तो माउथ, क्लोइकल ब्लैडर, अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, दे आर आइदर डीजेनरेटेड और एब्सेंट. और सिंगल टेस्टिस होंगे जो कि स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इनके अंदर, ऑल थ्रू अ सिलिएटेड वैस डिफरेंस टू द गोनोपोर. और मेल के अंदर एक इवर्सिबल स्ट्रक्चर मौजूद है जो स्पर्म ट्रांसफर के लिए यूज होता है, दैट इज नोन एज इवर्सिबल पेनिस, लाइक अ हाइपोडर्मिक नीडल इनटू द सीडोसिलोम ऑफ फीमेल बॉडी कैविटी. तो फीमेल के अंदर ये हाइपोडर्मिक इंसेमिनेशन या स्पर्म ट्रांसफर को यहाँ पे हाइपोडर्मिक इंप्रेगनेशन के साथ एसोसिएट किया गया कि वहां पे ही फर्दर डेवलपमेंट होगी. इनके लाइफ साइकल्स अगर देखे जाए तो दो तरह के लाइफ साइकिल हैं, जैसे एमिक्टिक और मिक्टिक है, जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई पे डिपेंड कर सकता है. एमिक्टिक लाइफ साइकिल की जब बात की जाती है तो फीमेल्स डिप्लॉयड एग प्रोड्यूस करती है थ्रू मॉडिफाइड मियोसिस, इन्हें एमिक्टिक एग्स कहा जाता है. इसे पार्थिनोजेनेटिक या एसेक्सुअल साइकिल या एमिक्टिक साइकिल कहा जाता है. और इस केस में डिप्लॉयड एग से सिर्फ डिप्लॉयड फीमेल्स ही डेवलप होंगी, दोबारा से वो डिप्लॉयड एग प्रोड्यूस होगा और ये साइकिल इस तरह से चलता रहेगा. अगर कभी डिप्लॉयड फीमेल्स में स्टैग्नेंट वाटर फ्रॉस्ट के दौरान मियोसिस हो जाए तो उससे हैप्लॉयड एग भी प्रोड्यूस हो सकता है. मियोटिक एग्स या हैप्लॉयड एग्स की प्रोडक्शन को मिक्टिक प्रोडक्शन कहा जाता है, जबकि एसेक्सुअल पार्थिनोजेनेटिक जो प्रोडक्शन हो रही है उसे एमिक्टिक प्रोडक्शन. इनमें हैप्लॉयड एग्स अगर ग्रो कर जाए तो वो प्रोड्यूस होंगे हैप्लॉयड मेल्स की फॉर्म में. फिर अगर मेल ऑलरेडी हैप्लॉयड है तो उसके स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे थ्रू माइटोसिस, दे विल प्रोड्यूस देयर स्पर्म्स थ्रू माइटोसिस. ये स्पर्म और एनवायरमेंट में अगर एग्स मौजूद है हैप्लॉयड, अगर वो फर्टिलाइज कर जाए, दे कैन ग्रो टू फॉर्म एमिक्टिक डिप्लॉयड एग्स अगेन, जो कि डिवेलप करके अल्टीमेटली हैच होने के बाद फिर से डिप्लॉयड फीमेल्स में कन्वर्ट होंगे. So, इसका जो स्टिमुलस है वो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई में स्प्रिंग रेन या फॉल रेन्स में ऐसा होता है कि ये डेवलप कर जाते हैं इनटू डिप्लॉयड फीमेल्स और एमिक्टिक फीमेल्स. दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ रूटिफर्स. यहां तक अगर कोई बात पूछना चाह रहे हैं आप लोग इसके हवाले से, रूटिफेरा के हवाले से, तो डिस्कस कर सकते हैं.